अभी 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 उठो। क्या है यार आपी, संडे के दिन तो सोने दो। सिर्फ संडे के दिन नहीं, तुम्हारा रोज का ये है। रोजाना रात को देर से सोती हो और उसके बाद सुबह आंख नहीं खुलती। तुम्हारी नमाज रोजाना कजा हो रही है। उठो वरना पानी फेंकूंगी तुम्हारे पर ठंडा ठंडा। उठती हो या नहीं? ठीक है, देखना तुम कल से मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। हमारी जनरेशन का प्रॉब्लम ही है, आगे भागने की धुन में ही आसपास देखने ही भूल जाते हैं। आप प्लीज वहां बैठे। ज्यादा चोट तो नहीं आई आपको? नहीं, शुक्रिया बेटा। किसी अच्छे खानदान का खून लग रहे हो। तुमने अपनी तरबियत की भी इज्जत बचा ली और अपनी जनरेशन की भी लाज रख ली। नहीं अंकल, एक मिनट। सॉरी बोल। सॉरी? तुम्हारे डैड लगते हैं क्या? बाप जैसे ही है। मैंने कहा सॉरी बोलो। ओके, सॉरी अंकल। Be careful next time. आइए अंकल, मैं आपको छोड़ दूं। ज्यादा चोट तो नहीं आई आपके? नहीं नहीं। अम्तुल, देखो हमारे बच्चों का कपल कितना परफेक्ट लग रहा है ना? उनकी केमिस्ट्री कितनी मैच हो रही है। मेरा ख्याल से इनकी एंगेजमेंट हो जानी चाहिए अब। यू नो, लाइफ का ये चैप्टर ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। हाँ, अगर अरहम एंगेजमेंट के लिए राजी हो जाए तो। इससे अभी वो शादी का बर्डन लेना नहीं चाहता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने तो कहा था कि वो कोई बात तुम्हारी टालता नहीं है, किसी बात से इनकार नहीं करता। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसकी पसंद और मर्जी का ख्याल ना करूं। अस्सलाम वालेकुम। अरे शगुफ्ता, तुम एनेक्सी से क्या गई? हम तो तुम्हारी सूरत देखने के लिए तरस गए। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आपको रीच की शादी बहुत बहुत मुबारक। ये छोटा सा तोहफा है हमारे उसके लिए। ये तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी तुम्हें शगुफ्ता? खामा खा किया तुमने ये तकल्लुफ। पैसे वेस्ट कर दिए अपने। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि अरीज सिर्फ ब्रांड्स पहनती है। आंटी, अब हम आपके एनेक्सी में नहीं रहते, इसलिए बहुत कुछ समझ आ गया। और इसमें ना इंटरनेशनल ब्रांड की रिस्ट वॉचेस हैं, दुल्हा और दुल्हन दोनों के लिए।
आपको अच्छी लगेगी। शगुफ्ता, तुम्हारी ये बेटी तो बहुत शार्प है। दूसरी कहाँ है, नजर नहीं आ रही। वो बस आती होगी। मुबारक खरीज। एक मिनट अंतल, ये वही लड़की है ना जिसके दुपट्टे में आग लग गई थी? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा मतलब है हमारी यहाँ अपशगुन माना जाता है। चला हुआ दुपट्टा सर पर लेना, दुपट्टा तो इज्जत की निशानी होता है ना, और उसमें दाग लग जाए तो कुछ सोचो। मेरा मतलब है अरीश को इन सब से दूर रखो, कोई बुरा वक्त भी आ सकता है। आंटी, पता है क्या प्रॉब्लम है? ये सब कुछ इसने जानबूझकर किया है। इसका दुपट्टा जलता या फिर ये खुद जलती, ये सारी प्लानिंग थी मेरा प्रोग्राम खराब करने की। स्टॉप इट अरीश, क्या फजूल की बकवास कर रही हो? तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरी आबी से तुम इस तरह बात करो। शट अप। ये तो सुना था कि इंसान की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है, लेकिन तुम लोग तो अपनी बेइज्जती अपने हाथ में लिए घूम रही हो। बस करो अरीज, बहुत हो गया। मुझे तुमसे अपनी इज्जत का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जिस लव्स की हुर्मत के बारे में जानती ना हो ना, उसे अपनी जबान पर मत ही लाओ तो बेहतर है। कहाँ जा रही हो? मुझे यहाँ नहीं चाहिए था। तुम क्या हुआ है? इतनी बेइज्जती के बाद मेरा यहाँ रुकना नहीं बनता। हाँ? किसने? मुमना, मेरी बात तो सुनो। मामा, मामा क्या हुआ है? आराम, देखो मामा को क्या हुआ है। मामा, मामा क्या हुआ? मामा यार प्लीज पानी भिजवाइएगा। मामा क्या हुआ? क्या हुआ मामा? सुनो, वो मुमना क्यों चली गई? चलो जैसे अल्लाह की मर्जी, तुम फिक्र नहीं करो। ओके, खुदा हाफिज। अफान का फोन था, मुमना की वजह से काफी परेशान है बेचारा। ये आपके और अफान भाई के जो सुनहरे ख्वाब है ना, अमतुल भाभी इन्हें कभी पूरा नहीं होने देंगी। हाँ, जो शादी में उन्होंने मुझसे कहा उसे साफ जाहिर है कि मैं मोमना का कहीं अच्छी जगह रिश्ता देके उसकी शादी कर दूं। हर चीज साफ जाहिर है, सब कुछ पता चल गया है, लेकिन आप है कि हर अच्छे रिश्ते को मना कर देते हैं। तो भाई, अफान को कैसे इनकार करूं? उसकी खुशी भी तो अहम है मेरे लिए। अम्मी, बहुत जोर की भूख लग रही है यार, जो भी पकाए ले आए। रात को भी सही से नहीं खाया है खाना।
पता नहीं क्या हो गया, रात से मेरी तबीयत अजीब सी हो रही है। यखनी बनाई थी और हिम्मत ही नहीं हुई कि चावल दम दे देती। हमने नाश्ता भी किया या सुबह से ऐसे ही कामों में लगी? चाय पी थी बेटा, दिल नहीं चाह रहा। कैसे चाहेगा, अम्तुल आंटी की बातों को जो दिल से लगा के बैठी। मम्मी क्या हुआ? आप ठीक हैं? यहाँ बैठे। क्या हुआ आपको? सर दुख रहा है, क्या हुआ? मुझे कहती रहती है मैं लापरवाह हूँ, अगर अपना जरा ख्याल नहीं। ये ले। नहीं बेटा, पानी पीने को दिल नहीं चाह रहा। मैं बाबा को फोन करती हूँ। मिस्टर अब्रार, शायद आपके लिए गुड न्यूज़ हो, लेकिन मैं इस उम्र की प्रेगनेंसी को इनकरेज नहीं करती। माँ को भी प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी एडवाइस ये है कि आप किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मशवरा कर दें। प्रेगनेंसी? मैं? नहीं नहीं, आप प्लीज़ देखिए, ये रिपोर्ट ज़रूर गलत है। आपके कहने का मतलब है कि शगुफ्ता प्रेग्नेंट है? देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं इस बात को ज्यादा दिनों तक नहीं छुपा सकूंगी। हबीर और ममना जैसे जाएंगे, प्लीज आप मुझे हॉस्पिटल ले जाइए, आज ही कुछ करना होगा। इससे पहले के बाद घर से बाहर चली जाए। मैंने तुमसे कहा था ना कि बेटियों से बात करो, वो खासी समझदार हैं, वो जो भी फैसला करें, मैं इस मामले में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आज फिर मेरे उठने से पहले उठ गई ना? आपसे कहा था ना कि आज नाश्ता मैं बनाऊंगी, मगर नहीं, आपको तो मेरे अलार्म से पहले ही उठ जाना है, और सारा नाश्ता भी बना लिया। शुगर टेस्ट की है? तबीयत कैसी है आपकी अब? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, ब्लड प्रेशर शुगर सब कुछ ठीक है। और तुम्हें क्या हुआ है? तैयार नहीं हुई? जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, जाना नहीं है क्या? आपको इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मैं कहीं नहीं जा रही, आज सारे घर का काम मैं करूंगी और आप आराम करेंगी। मोमना, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी अगर मैं बिस्तर पर पड़ गई तो और बीमार हो जाती हूँ। अब इस उम्र में ये ब्लड प्रेशर और शुगर के झटके तो लगते रहेंगे ना। तुम भा बेटी मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हूं मैं, और जाओ जाकर तैयार हो जाओ तुम। ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हुआ है मुझे। ठीक ही तो कह रही है वो,
जितना तुम समझ रही हो उतनी बीमार नहीं है वो। जाओ, ये तो अब रोज ही चलेगा। और तुम क्या रोज छुट्टी करके बैठ जाओगी? जाओ। आसानी से कहती है ना कि ऐसा ही लगा रहेगा। बेहिसी की भी हद होती है। शगुफ्ता, तुम सिर्फ ओवर रिएक्ट कर रही हो। ये अल्लाह की देन है, हमारा क्या कसूर है इसमें? देखिए शगुफ्ता, मैं ये नहीं कहती कि आपने कुछ गलत किया। इतना तो आप समझ ही सकती हैं, उम्र का सबसे नाजुक दौर है ये। और फिर ये प्रेगनेंसी, अब तो शायद आप इसे रिमूव करने की पोजीशन में भी नहीं हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हम ऐसा चाहते भी नहीं है जी। रिस्क तो दोनों सूरतों में है, बच्चे को भी नुकसान हो सकता है और माँ को भी। ठीक है, आप कल आ जाएं, फिर देखते हैं बेबी की ग्रोथ कैसी है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अम्मी आप तो ऐसे तैयारी कर रही हैं जैसे अमतुल आंटी रिश्ता नहीं बारात लेकर आ रही हैं। छोड़े ना, बाकी काम कल कर लीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि अमतुल भाभी की खातिर तवाज़ो में कोई कमी ना रह जाए। पहली बार आ रही है मेरे घर मेरी बेटी के लिए, और जो कुछ शादी में हुआ था वैसे उसके बाद तो उनका आना किसी मौजे से कम नहीं लगता। मोमना बहुत खुशकिस्मत है, उसकी आंखों की चमक ने मुझे सारी बातें भूलने पे मजबूर कर दिया। अफान अपने वादे का बहुत पक्का है, मैं तो उसका ये एहसान अपनी जिंदगी देकर भी नहीं उतार सकता। हाँ, अरहम का फोन आया था, कह रहा था कि सारी पुरानी बातें भूल जाए मेरी खातिर। बस मुझे तो इस बात की खुशी है कि बड़ी इज्जत और मान के साथ मेरी बेटी को लेके जा रहे हैं। वैसे अरहम भाई का प्लान है, इधर बात पक्की हुई और वहाँ शादी कर ली। वैलेंटाइन डे जो है ना, मुझे लगता है वो आप ही के साथ मनाने के चक्कर में। अरे शादी इतनी जल्दी, तो क्या हम तैयारी नहीं करेंगे? आपी देखो अम्मी को क्या हो रहा है। अब वो अम्मी को किसी सर्जन के पास ले जाए ना। क्या हो रहा है अम्मी को? अम्मी आप ठीक हैं? क्या हुआ है? पहले तो कभी अम्मी को वॉमिट नहीं हुई। ठीक है, आप पानी लाऊं? हाँ जाओ जाओ पानी लेके आओ, बुखार तो नहीं हो रहा ना? पर इसका ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या बात है शगुफ्ता, तुम्हें हमारे आने की खुशी नहीं हुई? बहुत डाउन लग रही हो। वो अम्मी की तबीयत दरअसल 3 दिन से ठीक नहीं है, इसलिए आपको फील हो रहा होगा। वैसे तुमने खामखा इतना तकल्लुफ किया, मैं तो ये सब कुछ नहीं खाती। और अफान को भी हेल्थ इश्यूज हैं, तुम तो जानती हो अच्छी तरह से कि हमारे घर में सारा खाना ऑलिव ऑयल में बनता है।
भाभी अफान भाई की और अबरार की बरसों पुरानी दोस्ती है, इतना तो जानती हूँ मैं आप लोगों के बारे में। आप बेफिक्र होकर खाइए। जमाना जरूर बदल गया होगा, लेकिन आज भी मेरे घर के दस्तूर मेरी मर्जी से बनते हैं और मेरी मर्जी से बदलते हैं। भाभी अब जिंदगी बच्चों की है, हम तो अपना वक्त गुजार चुके। इसलिए शगुफ्ता तुम्हारी इस सूझबूझ से ना मैं हमेशा बहुत मुतासिर हुई हूँ। वैसी सूझबूझ तुम अपनी बेटी मुमना को भी सिखा देती तो क्या ही बात होती। जब तक लड़की हौसला अफजाई ना करे ना तो लड़के की पसंद बेमानी हो जाती है। अच्छा खैर, जो होना था सो हो गया। अगर हम किसी गली की लड़की को भी उठाकर ले आता तो हम उसकी खुशी की खातिर खामोश हो जाते। देखें भाभी, हमने अपनी बच्चियों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं वो हमारी खुशी और हमारी ख्वाहिश के आगे कुछ नहीं सोच सकती। मेरा ख्याल है अगर आप भी अरम के लिए जो बेहतर समझती हैं वो करें। क्या हो गया अम्बुल हैं? यार अबरार, इनका ये मतलब नहीं था, तुम वैसे गलत। अफान, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैंने अपनी बेटियों को कभी बोझ नहीं समझा। मैंने अगर उन्हें आजादी दी है तो उन पर ट्रस्ट भी किया, एतबार किया उन पर। मुझे अपनी बेटी पे फख्र है, वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मेरा सर शर्म से झुक जाए। और कैसी बात कर रहे हैं आप, मेहमान है घर में, ऐसे नहीं बोलते। आप मेरे घर आई हैं, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं कोई ऐसा रिश्ता नहीं चाहता जिससे मेरी और अफान की दोस्ती में कोई फर्क आए। और मैं नहीं चाहता कि मेरी मोमना का सर सारी जिंदगी झुका रहे। मेरा ख्याल है इस बात को यही खत्म कर दिया जाए तो बेहतर है। अबरार, अबरार, अब चले यहां से। पापा प्लीज, आप मुझे मामा की बातों पे इतनी एक्सप्लेनेशंस क्यों दे रहे हैं? वहां जो कुछ हुआ वो गलत हुआ ये तो मानते हैं ना। वैसे तो मामा फैमिली वैल्यूज पर इतने बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं, जहां बात किसी दूसरे को सेल्फ रिस्पेक्ट की उसको डैमेज करना कहां की वैल्यूज है। देखो यार, मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी बहुत गलती अपराध की है। पापा, मोमिना और उसकी फैमिली हर्ट हुई है मामा की वजह से, क्या अबरार अंकल की गलती उससे बड़ी होगी? ये क्या तरीका है बात करने का? तुम मुझे वैल्यूज सिखाओगे, और वो भी उस लड़की के लिए जो तुम्हारे साथ शादी की डेट फिक्स करती फिर रही है। मम्मा, शादी के लिए अग्री करने का मतलब ये नहीं होता कि डेट फिक्स कर ली गई है। अरिज ने भी तो जवार को पसंद किया था, लेकिन रिश्ता लेकर आप दोनों गए थे। जवार मेरे भाई का बेटा है, और मोमना जिस शख्स की औलाद है ना, तुम्हारी दादी माँ उसे सड़क से उठाकर लेकर आई थी। जानते हो क्यों? अम्तुल, तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो मत करो, लेकिन इस तरह तुम्हें अबरार का तमाशा बनाने का कोई हक नहीं है, समझे तुम? मुझे शादी की अभी कोई जल्दी नहीं है, वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, उसके बाद जॉब भी करनी है। आप एक काम करें,
आप अबीर की शादी की फिक्र करें। आपको पता है ये पूरा वक्त दिन रात उमर बुरकान के ख्वाब देखती रहती है। उमर? ये उमर कौन है? मुझे सच सच बताओ, तुम बताती हो या मैं बात करूं अब्रार से? और ये काली चने के बहाने कौन से तमाशे लगे हुए हैं? हाँ अम्मी, उमर बुरकान मॉडल है। मैं मानती हूँ ये बहुत मुश्किल हमल है, तुम्हें बहुत एहतियात की जरूरत है। मैं तुम्हें बेड रेस्ट पे सजेस्ट तो नहीं कर सकती, लेकिन शुगर को भी तो कंट्रोल रखना है ना। वैसे तुम्हारे घर में है कौन कौन? मेरी बड़ी बेटी की शादी की बात चल रही है और अब तो माशाल्लाह से छोटी बेटी की भी शादी की उम्र है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं चाहती हूँ कि इस मामले को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। क्या आप मेरी कुछ मदद नहीं कर सकती इसमें? देखिए, जो आप चाहती है वो हो नहीं सकता। आपका बेटा आपके अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। बेटा? बेटा? हमारा बेटा होने वाला है? या अल्लाह, तू कैसे कैसे मौजज़े दिखाता है। लें जी, आपका सूप आ गया गरम गरम। ये भी वक्त आना था कि तुमने रेस्ट करना था और मैंने तुम्हारी खिदमत। मुझे नहीं याद कि मैंने तुम्हें कभी अबीर और मोमना की दफा बिस्तर पे लेटा देखा हो। मैं तो बस हॉस्पिटल उन्हें देखने आ जाता था। मेरा नहीं ख्याल शायद मैंने उन्हें कभी गोद में भी लिया। ठीक कहा आपने, दुनिया के सारे मर्दों की तरह आपने कभी मोमना और अबीर को खुशी से गोद में नहीं लिया। और अब तो जैसे आपके पांव जमीन पर ही नहीं टिक रहे। बेटे के बाप जो बनने वाले हैं, मुझे तो अपने आप पर हैरत हो रही है। आपको बेटे की इतनी शदीद ख्वाहिश थी और मुझे कभी पता ही नहीं चला। तुम दो मिनट के लिए ये भी तो सोचो कि मोमना और अबीर की जिंदगी में भाई की कमी पूरी होने जा रही है। भाई उनका सहारा नहीं बनेगा बल्कि उन पर बोझ बन जाएगा। इस उम्र में बच्चे नॉर्मल नहीं बल्कि अबनॉर्मल पैदा होते हैं। इतनी बड़ी डॉक्टर है वो तो मुझ पे गुस्सा कर रही थी। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? सख्त ना शुक्रिया औरत हो, तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना आता ही नहीं है। बुढ़ापे में हमें किसी की मोहताजी तो नहीं होगी ना। अरे बेटियों ने कौन सा सारी जिंदगी तुम्हारे पास बैठे रहना था। आप दोनों को बेटा बहुत मुबारक हो। मोमना, इस बात का तुम्हारी शादी से क्या ताल्लुक है? आपको इसी बात का डर है ना कि हम आपको छोड़कर चले जाएंगे शादियां करके? मैं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आपके पास रहूंगी, जॉब करूंगी, जैसे आप कहेंगी वैसे रहूंगी, बस आपके पास रहूंगी। प्लीज आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और जान छुड़ाने इस मुसीबत से। अब कुछ नहीं हो सकता। ये सारी बातें तुमसे करने से पहले मैं तुम्हारे बाप से कर चुकी हूँ। बहुत देर हो चुकी और ये सब कुछ खत्म करना इतना आसान नहीं। मेरी हालत तो देखो।
बाबा को हमारी माँ की फिक्र नहीं है, फिक्र है तो उस बेटे की, उस बेटे की जो कि अभी इस दुनिया में भी नहीं है। कितना एम्बैरेसिंग है ये, मुझे 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 ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं। अम्मी मुझे आपकी कितनी फिक्र है। मुझे मत समझाओ बल्कि खुद को समझाओ। अब जो होना था सो हो गया। डॉक्टर पे नहीं जा रही है तो मैं गरम दूध लेके आता हूं तुम्हारे लिए। अबीर वो ये क्या बकवास है? प्रेगनेंसी रिपोर्ट और अम्मी की, इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं है। तुम रिलैक्स करो, ये मुझे दो। ये क्या है अम्मी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं रोऊं, मैं गुस्सा करूं, मैं क्या करूं? आप इतनी समझदार हो कि ये कैसे कर सकती हैं? वो कितना मजाक उड़ाएंगे हमारा? क्यों मजाक उड़ाएंगे? सारी दुनिया के बच्चे होते हैं और ये कौन सी अनोखी बात है? अच्छा, मैंने तो नहीं देखा इस उम्र में किसी के बच्चे होते हो। इस उम्र में लोग अपने बच्चों की शादियां करते हैं। बस अबीर, एक लफ्ज भी अगर तुमने और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई कोई गुनाह कर लिया मैंने और तुम्हारी मां ने? बदलिहाज और बदतमीज बेटियां पैदा होंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर नहीं, कहां कमी रह गई है मेरी तरबियत में? कमी तो शायद हमारी वजह से रह गई थी, आपकी जिंदगी में जो आपने इस उम्र में। बदतमीज, अभी चलो कमरे में, तमाशा मत लगाओ, चलो यहाँ से। तमाशा लग चुका है, जब लोग हम पर हंसेंगे तो तुम चुप करवाओगी उन्हें? और वो अमतुल आंटी, उन्हें तो मौका चाहिए हमारे बारे में बात करने का। अबीर बस करो, 3-4 महीने की बात है अभी, इस इमेज की ना बैंड बच जाएगी इधर, कितना अच्छा लगेगा ना। आइए, बहुत मुबारक हो, हमारी अम्मी की डिलीवरी होने वाली है। खुदा के वास्ते अभी चुप कर जाओ, मत करो तुम लोग ये सब कुछ। सुनोगे मैं कुछ कह के मर जाओ। की तबीयत बिल्कुल नहीं संभल रही, इस हालत में उनका टेंशन लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम उनको ऐसे सुना रही थी जैसे सारी की सारी गलती उनकी हो। क्या कोई औरत खुद जान के मां बनती है? क्यों नहीं उनकी गलती, जब पता चला था तब जाना चाहिए था ना किसी अच्छे डॉक्टर के पास। गई थी, कोई फायदा नहीं है। वो बेटे की मां बनने वाली है। और ये बाबा की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। बेटा हो या बेटी,
इस उम्र में अपना मजाक बनवाने का शौक चढ़ा था हमारे माँ बाप को। और तुम देखना आप ही, वो जो तुम्हारी उसूलों के पक्की अमतुल आंटी है ना, जब उन्हें पता चलेगा तब सुन लेना और सह लेना अपनी बेइज्जती। अरहम भाई भी फजूल में कोशिशें कर रहे हैं उनको मनाने की, हमारे तो नसीब में ही नहीं है यार अच्छा घर और अच्छा खानदान। प्लीज अबीर, अब चुप हो जाओ। मेरी किस्मत में जो कुछ भी होगा वो हो जाएगा। इस तरीके की बातें करके ना अपना दिल जलाओ और ना मेरा। दिल नहीं जला रही हूँ आपी, अकल की बात कर रही हूँ। इससे पहले दुनिया वालों को पता चले कि हमारे घर में क्या चल रहा है, तुम शादी करो और जाओ यहाँ से। यही तुम्हारे हक में बेहतर है। बाद में तो बेटा आ जाएगा ना इस घर में, हमें कौन पूछेगा फिर? पता है हमारी दोस्ती का बेस्ट पार्ट क्या है? कि हम एक दूसरे की बात को कहे बगैर ही समझ जाते हैं, एक दूसरे की मजबूरियों का मजाक नहीं उड़ाते। अगर ऐसा होता तो साथ रहने के जवाब कब के खत्म हो जाते। साथ रहने के लिए साथ देना जरूरी होता है। तुमने तो अभी से हार मान ली है। मैं जीत के नहीं हारना चाहती। मैं अमतुल आंटी की सोच से तो इख्तलाफ कर सकती हूँ, लेकिन उनके फैसले से नहीं। आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। मैंने उनकी बात मान ली है मोमिना, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन मैं अपनी इस दोस्त को बहुत मिस करूंगा, जो मुझे तो पॉजिटिव रहने का कहती है और खुद उसके चेहरे पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है यारम तुम्हारे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं है। तो अरहम के बगैर जीने की आदत हो ही जाएगी। वैसे भी जिंदगी हर मोड़ पर एक नया बहाना तो दे ही देती है ना जिंदा रहने का। तो कैसा लगेगा मेरे बगैर जीना आपको? अभी सोचा नहीं है। कब सोचोगे? तुम्हारी शादी के बाद। आखिरी बार चाय पीने के लिए नहीं कहूंगी। जाहिर है अब कल से मैं अपनी शादी की तैयारियों में बिजी हो जाऊंगा, तुम्हें भी वैन पिक और ड्रॉप करने आया करेगी। तुम्हें जल्दी हो या ना हो, लेकिन हमें शादी की बहुत जल्दी है। मेरे बस में हो तो मैं अगले हफ्ते मोमिना को अपनी बहू बनाए घर ले जाऊं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी डेट मैं फिक्स कर दूं वो फाइनल हो। बस अरहम भाई, what a surprise! भाई आपको तो मानना पड़ेगा, इसका मतलब आपने आपी और अमितुल आंटी दोनों का दिल जीत लिया। Good job!
तुम्हारा और अरहम का अब तक मजाक चलता रहा है, लेकिन अब तुम्हारा रिश्ता बदल रहा है और रिश्तों का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तुम हमारे घर की बहू बनने जा रही हो। एक बात मैं तुम पर वाजे कर दूं, मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे सामने मेरे बेटे की बीवी को कोई लेट डाउन करे या फिर मिडिल क्लास और सब स्टैंडर्ड होने का ताना दे। भाभी, अगर मेरी तरबियत में कोई कोताही रह गई हो तो प्लीज आप उसे दरगुजर कर दीजिएगा। मैंने अपनी बेटियों को कभी भी हालात की गर्म हवा नहीं लगने दी और आइंदा भी इन लोगों को उनके नसीब पे छोड़ रखा। मुबारक हो आप लोगों। क्या हुआ है? अब तो सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, मैं मानता हूं कि पहले जो मेरे और तुम्हारे दरमियान बेयकीनी थी वो हमें खुश नहीं रहने देती थी, लेकिन खुश तो तुम अब भी नहीं हो। क्या बात है? तुम्हारी आंखों से साफ जाहिर है। कल रात भी मुझे अवॉइड ही कर रही थी ना तुम, जानबूझ। आंखों से देखा और कानों से सुना हमेशा सच तो नहीं होता। तो फिर क्या मसला? अरे यार, I'm really sorry, तुम्हारी अम्मी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सीरियस? तुम लोग भी तो उन्हें गली मोहल्ले के हॉस्पिटल्स में लेके घूमते रहते हो। एक काम करता हूँ, मैं कल उन्हें किसी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाता हूँ, उनके टेस्ट वगैरह करवाता हूँ। जो भी प्रॉब्लम होगी वो सामने आ जाएगी। सुनो, इन लोग को एहसान नहीं करोगे, हक बनता है उनका मुझ पे। आप हाय, जब तुम आप कहती हो ना तो मैं क्या बताऊं कि मैं क्या फील करता हूं। कोशिश कर रही हूं कि हम तो आंटी के स्टैंडर्ड्स पे पूरी तरह से। वो तुम्हारी और मामा की आपस की बात है, मुझे तो वही मोमिना चाहिए जिसे मैं जानता हूं। एक बात शेयर करूं, सजना वही बात जो तुमने आज तक शेयर नहीं किया मुझसे। शायद ही उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या बात? तुम पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? बोलो ना, क्या बात है? अरे हम अम्मी प्रेग्नेंट है। ये तो होना ही था अम्मी, अरहम भाई की डिमांड ऐसी कोई गलत भी नहीं है। रिश्ता तोड़ देंगे वो, आप देख लीजिएगा, आपकी वजह से। इतनी समझ तो मेरे अंदर भी है। और ये आपी, ये तो है ही पागल, इसी तरह घुट घुट के मर जाएगी ये। मेरी वजह से हो रहा नहीं सब कुछ तो ठीक है, खत्म कर देती हूँ अपने आप को। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। चली जाना तुम दोनों अपने अपने ससुराल खुशी खुशी। जान दे देती हूँ। पागल हो गई तुम शगुफ्ता, ये क्या कर रही हो? तुम दोनों एक बात मेरी काल छोड़ के सुन लो, अगर तुम दोनों ने अपनी माँ के साथ बदतमीजी की या इसे परेशान किया तो मैं इसे लेके यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे इस घर में सुकून चाहिए और इसकी सेहत चाहिए, सुना तुम दोनों ने? वरना समझ रहा कि तुम्हारा बाप मर चुका है। बेटा क्या हो गया ब्रारा आपको? मेरी तो चले हालत ऐसी है, दिमाग खराब हो जाता है मेरा, लेकिन आपको तो कंट्रोल होना चाहिए ना अपने आप पर। अरे क्या कंट्रोल रखूं मैं अपने आप पे?
इन्हें और किसी चीज की परवाह ही नहीं है, सिर्फ अपनी शादी की पड़ी हुई है। आप जानते तो हैं हमतुल भाभी को, उन्हें अगर पता चल गया तो क्या? हमतुल भाभी, हमतुल भाभी, हमतुल भाभी लगा रखा है तुमने। कौन है हमतुल भाभी? खुदा है क्या? हमतुल भाभी को पता चल जाएगा क्या होगा? रिश्ता तोड़ देगी ना वो, तोड़ दे रिश्ता। अरे काल पड़े हुए हैं क्या रिश्ते के? मुझे हर हाल में इस बच्चे की जिंदगी चाहिए, तो बस चाहिए। एक तरफ तुम्हारी शादी, दूसरी तरफ इस बच्चे की डिलीवरी, ये बात मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रही। मामा को कैसे समझाऊंगा मैं? अगर यार हम आप जो चाह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। पहले ही सारी चीज को लेकर हमारे घर में इतनी टेंशन चल रही है, पर से बाबा भी बहुत हाइपर हो गए थे। अम्मी ने कल रात से कुछ नहीं खाया। इस सारी सिचुएशन में उनका टेंशन लेना बिल्कुल सही नहीं है, वो स्ट्रेस नहीं ले सकती। तो मैं ये टेंशन ही तो खत्म करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता रहेगा उनके लिए प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। लिसन, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी मम्मा एक बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है। लिसन टू मी, मेरी बात पूरी सुन तो लो यार। वो हमारी हेल्प कर सकती हैं। तुम प्लीज मामा से बोलो कि वो एक बार उनसे मिल लें। वो मामा को भी जानती हैं और मैं जानता हूँ कि वो मेरी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगी आराम से। अम्मी नहीं जाएंगी गायनेकोलॉजिस्ट के पास। अरे क्यों नहीं जाएंगी यार? हमारी खुशियों के लिए भी नहीं जाएंगी क्या? बात हमारी खुशियों की नहीं है, बात बाबा की ख्वाहिश की है। वो बेटे के बाप बनने वाले हैं, उन्हें बेटा चाहिए हर हाल में। और अगर हमने उन्हें ज्यादा फोर्स किया तो वो मम्मी को लेकर यहां से चले जाएंगे। वो ये कह चुके हैं। क्या हो गया अंकल को? इस उम्र में वो इस तरह का बिहेव करेंगे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तुम देख लेना, ये बच्चा तुम लोगों के लिए मुसीबत बन जाएगा। अरम, बेटा तुम दोनों की खुशियों के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन मेरे बस में कुछ नहीं है। मैं शायद दुनिया की सबसे मशहूर माँ हूं। एक तरफ मेरी बेटी की खुशियां हैं और दूसरी तरफ इस मासूम की जिंदगी का सवाल। मेरा रब किसी माँ को ऐसी आजमाइश में न डाले, तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? आंटी आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? ये आजमाइश सिर्फ आपके लिए थोड़ी है, आप मामा को मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं। मैं उनकी सोच को तब्दील नहीं कर सकता। ये बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है मेरे लिए भी और मोमिना के लिए भी। आप प्लीज इस बात को भी तो समझे ना। मुझे तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं है बेटा, लेकिन जिंदगी और मौत के फैसले इंसान के हाथ में तो नहीं होते ना। एक बात जान लो बेटा, अगर इस बच्चे का मुकद्दर मेरी गोद है तो मैं इसका मुकद्दर नहीं बदल सकती। आंटी ने तो फैसला सुना दिया है, बस अब तुम दुआ करो कि इस बच्चे का मुकद्दर हमारे मुकद्दर से ना टकरा जाए। वरना मैं तुम्हें खो दूंगा।
अभी तुम अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हो और दूसरी तरफ तुम्हारी बीवी जो है वो माँ बनने वाली है, तो यार को खुदा का खौफ किया करो यार। और ऊपर से बड़े फख्र से फरमा रहे हैं आपके मैं बेटे का बाप बनने जा रहा हूँ इस उम्र में। मेरे तो क्या करूं, अगर इस उम्र में अल्लाह ताला मुझ पे अपना फजल कर ही रहा है तो मैं कैसे ना शुक्री कर सकता हूँ यार। यार काश अल्लाह ने ये फजल उस वक्त किया होता जब तुम दोनों मियां बीवी बच्चा पालने की उम्र में थे। अभी इस उम्र में तुमने उसे मुश्किल में डाल दिया बेचारी। वैसे मैं ना अरुण भाई मान गई हूँ आपको, फर्दर स्टडीज के लिए कहाँ जा रहे हैं? तुम चुप होने के कितने पैसे लोगे? हमारी बेगम को चौंकाने का हुनर खूब आता है। वैसे मुझे लगता है कि अब पहाड़ों पे बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। ये सब दावत का बंदोबस्त उन्होंने किया है। अपने बेटे की खुशी के लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं अपने बेटे की खुशी की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अबरार और शगुफ्ता के झूठ को टॉलरेट नहीं कर सकती। कौन सा झूठ? अच्छा तो आप ये जानते थे पहले से कि बुढ़ापे में बुढ़ापे का सहारा पैदा होने जा रहा है? वाह खान साहब बहुत खूब। वैसे आपने ना अपने दोस्त के राज को बहुत ही अच्छी तरह से राज में रखा है, इसके लिए तो आपको एजाजी शील्ड मिलनी चाहिए। और शगुफ्ता तुम ये हरकत इतनी मायूब ना होती तो तुम मुझसे क्यों छुपाती है ना? मम्मा प्लीज ये हमारे मेहमान हैं। तुम एक लफ्ज नहीं बोलोगे अरहम? मेरे घर में किस मेहमान की किस तरह से इज्जत की जाती है वो तुम नहीं हमेशा से मैं करती आई हूं और आज भी मैं ही करूंगी। बस भाभी बस, आज आपने यहां बुलाकर हमारी जो इज्जत अफजाई की है ये मैं हमेशा याद रखूंगा। किसी की जाती जिंदगी का तमाशा बनाकर उस पे खुश होना ये ज़हनी मरस नहीं तो और क्या है? और आपको ये प्रॉब्लम हमेशा से। चलो शगुफ्ता। रुको अबरार, ज़हनी मरीज किसे कहते हैं ये मैं तुम्हें बताती हूँ। बेटी की शादी की उम्र में बच्चा पैदा करने की ख्वाहिश नॉर्मल लोग नहीं किया करते। बेटा चाहिए किसी भी सूरत में, ये दिमागी खलल तुम जैसे लोगों के जीन्स में होता है। बस करो, मैं जानता था। हाँ आप तो हमेशा से सब कुछ जानते थे, फिर भी आपने इस छोटे खानदान को अपने बराबर में लाकर बिठा दिया। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग अफान साहब? शरीफ घरानों में क्या ऐसा हुआ करता है? आप लोगों से ये कहेंगे कि अरहम की सास डिलीवरी के लिए गई है? डिस्गस्टिंग। हर काम का एक वक्त होता है। मुझे तो सोचकर हैरत नहीं बल्कि वहशत सी हो रही है। हम तो भाभी मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। बिल्कुल मेरा गुस्सा जायज है लेकिन तुम्हारा ये बच्चा मुझे जायज नहीं लगता, क्योंकि इसके होने से तुम इनकार कर रही थी। तुम ये चाह रही थी कि तुम्हारी बेटी की शादी ना टल जाए। वैसे बहुत समझदार हो शगुफ्ता। मम्मा प्लीज बस करें, आप क्या कह जा रही हैं? मैं जानता था कि आंटी प्रेग्नेंट है, आप इन्हें क्यों ब्लेम कर रही हैं? सब जानते थे बस मैं नहीं जानती थी। अगर तुम इतने समझदार होते ना तो इस नीच लोगों में अपना रिश्ता कभी ना करते। रिश्ता करते हुए इतना तो सोच लेते कि तुम्हारा सोशल स्टेटस क्या होता। क्या आप बस करेंगी? प्लीज अम्मी की तबीयत खराब हो रही है, प्लीज चुप हो जाएं। एम्बुलेंस बुलाओ और इस मुसीबत को यहां से लेकर जाओ। मुअज्जज खानदान में रिश्ता तय कर लेते तो ये दिन ना देखना पड़ता। मेरी बात सुने आप कितनी वेल मैनर्ड और तमीजदार है देख लिया है मैंने।
और इस बदतमीजी का हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। स्टॉप इट अमीर, मेरी मामा से ऐसे बात नहीं कर सकती हो तो। क्यों? आपकी मामा की इज्जत है और मेरी मामा की कोई इज्जत नहीं है। हम सब सुनते रहेंगे और बर्दाश्त करते रहेंगे? नहीं अरहम भाई, जो जैसा होता है ना उससे वैसे ही बात करनी चाहिए। खबरदार जो इसको भाई कहा तुमने, ये कोई भाई भाई नहीं है तुम्हारा। अपनी औकात याद रखो। अल्लाह का वास्ता सब चुप हो जाए, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, प्लीज गाड़ी निकाले, प्लीज अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज प्लीज जल्दी करें। जाओ यार जल्दी से जाके। डॉक्टर, अम्मी कैसी हैं? फौरी सर्जरी करनी होगी, पेशेंट को ब्लड की नीड है। आप प्लीज ब्लड बैंक से कांटेक्ट कर लें। जी, थैंक यू। ये क्या क्या के गई हैं आप ही? अम्मी का तो 7 मंथ चल रहा था ना, तो फिर ये क्या भूल के गई है? शायद प्रीमेच्योर बर्थ होने वाली है। प्रीमेच्योर? डॉक्टर ने मना किया था, अम्मी को कहा था कि बेड रेस्ट करें, मगर हमने उनका बिल्कुल ख्याल नहीं किया। अबीर, ये सब कुछ अमतुल आंटी की वजह से हुआ है। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? मुझे तो उनकी शक्ल से नफरत हो गई है। क्या हुआ, तबीयत कैसी आंटी की? डॉक्टर ने क्या कहा? कहा है कि ब्लड की जरूरत है। बाबा ब्लड बैंक गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जी काम डाउन, हम इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं पहले। आई थिंक इस एज में प्रीटर्म बर्थ एक नॉर्मल सी बात है। अबीर, आई एम रियली सॉरी, वो बस गुस्सा था इसलिए। अम्मी के लिए दुआ करें आप। सैचुरेशन क्या चल रही है? शगुफ्ता, ये क्या किया तुमने? क्या किया शगुफ्ता? अम्मी, 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 शगुफ्ता, मेरी खुशी, मेरी ख्वाहिश के लिए तूने अपनी जान दे दी। ये आपकी पहुंच नहीं लगती। काश आपका ये बच्चा मेरी अम्मी की जिंदगी में ना आया होता। अम्मी, मेरे बच्चे, नहीं हूँ मैं आपका बच्चा। बेटा चाहिए था ना आपको, मिल गया आपको बेटा। अब मुझे मेरी माँ ला के दे, जिंदा और सलामत। मार दिया बाबा आपने, मार दिया मेरी माँ को, मार दिया आपने। बदले मेरा नाम। अम्मी, मार दिया आपको।
मुझे माफ कर दो शगुफ्ता, मुझे माफ करते मुझे। अपरार भाई, आप बुरा ना माने तो एक बात मेरी जबान पे आ रही है, इस बच्चे और इस घर को एक समझदार औरत की जरूरत है। ये घर चलाना, बच्चे पालना मर्द की बस की बात नहीं है, कुछ काम औरत को सचते हैं। कह तो आप ठीक रही हैं, बात की है मैंने एक दो लोगों से, इंशाल्लाह उम्मीद है कि किसी आया का बंदोबस्त हो जाएगा। कितने दिन हो गए मैं तो ऑफिस ही नहीं गया, मेरा सारा निजाम धर्म भरम हो गया है। आया तो आया होती है, वो कहां मां का दर्जा दे सकती है। आपके ये मसले तो चलते ही रहेंगे अपराध में। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कोई अच्छी औरत है आपकी नजर में जो घर को भी देख ले और इसे भी संभाल ले। देखिए, शायद मेरा मशवरा आपको बुरा लगे, लेकिन अपरार भाई, आपकी बेटियां किसी काबिल नहीं है। अगर वो होती तो मैं ये बात नहीं करती, लेकिन ये सच है कि इस बच्चे को मां की जरूरत है। अस्पताल, डॉक्टर, ये तो बात की बात है, ये रुल जाएगा। मेरी मां ने आप शादी कर ले। अब्रार को भी अल्लाह ताला ने हमेशा किसी ना किसी आजमाइश में डाल ही रखा। मुझे तो उसकी बड़ी फिक्र होने लगी है यार, कुछ समझ में नहीं आता उसका बनेगा क्या। पहले दो बेटियों के मसले का कम थे क्या, अब इस उम्र में एक बेटे की जिम्मेदारी भी आ पड़ी उसके सर पे। ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल। शगुफ्ता आंटी की डेथ के बाद उस घर में सबसे ज्यादा सफर मोमिना ने किया है, और मैंने उसकी कोई हेल्प ही नहीं की। ऐसे साथ का क्या फायदा है पापा, आप प्लीज मामा से बोलें कि अब शादी में बिल्कुल डिले ना करें। हमने क्या पूरे खानदान की जरूरतों का ठेका उठा रखा है? मेरा तो ख्याल था कि इतना कुछ होने के बाद तुम इस शादी से इनकार ही कर दोगे। हम बार बार तुम्हें जलील करते हैं और तुम बार बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दबा कर वहां पहुंच जाते हो। मामा, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन ये रिश्ता मेरे लिए किसी कांच के गिलास की तरह नहीं है कि जरा सी ठेस लगी और टूट गया। तुम्हें हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, बस अपने रिश्ते की पड़ी है। जिस इज्जत की आपको इतनी परवाह है, वही इज्जत कभी कभी दूसरों को भी दे दिया करें। जीबा बहन, आप 10 मिनट इसे और रख ले, ये मेडिसिन फार्मेसी से नहीं मिल रही, मुझे बाहर की फार्मेसी से लानी पड़ेगी। ठीक है अब्रार भाई, आप फार्मेसी से ये दवाएं ले आए। जब आप आएंगे तो फिर मैं चली जाऊंगी, आपको पता है कि मैं रात ज्यादा देर नहीं रुक सकती, नैला घर में अकेली होती है। बस मैं 10 मिनट में आया। आउच, सॉरी, मैं माफी चाहता हूं। आप देख के नहीं चल सकते? सॉरी, देख के चला करें ना, लगा दी इतनी जोर की। फहमी, तुम यहाँ? तुम फहमी हो ना? जेबा, हे अल्लाह, कैसी हो तुम?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितने जमाने के बाद तुम्हें देख रही हूँ, और देखो मैंने देखते ही तुम्हें पहचान लिया, बिल्कुल नहीं बदली। यकीन करो तुम्हें देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। वैसे मेरे अंदर बदलने वाला ऐसा है क्या जो बदल जाती है? तुम बताओ कैसी हो और यहाँ कैसे? अरे पोते पोती वाली तो नहीं हो गई तुम? खुदा के वास्ते अभी मत होना, बता दो सच सच। जी नहीं, कोई पोते पोती वाली नहीं, अभी मेरा इतना बुढ़ापा नहीं आया कि मैं पोते पोती वाली हो जाऊं। हो भी मत जाना। ये हमारे पड़ोसी अबरार भाई, उनका बेटा है वही अबरार भाई जो अभी तुमसे टकराए थे। हाय अल्लाह, बड़ी जोर से। हाँ वही है। बाबा कल रात से घर नहीं आए हैं, उनका फोन भी बंद आ रहा है। तुम प्लीज नायला से पूछ लो। मैं कुछ नहीं पूछ रही किसी से। बाबा को बता के जाना चाहिए था ना कि कहाँ जा रहे हैं, कब तक वापस आएंगे। लेकिन नहीं, उन्हें सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है। उस बेचारे की कल रात से तबीयत खराब है, पता नहीं वो अब किस हाल में होगा। वो आपी, उसकी फिक्र छोड़ दो, उसकी फिक्र के लिए बाबा हैं, तुम अपनी फिक्र करो। मेरी बात सुनो, अरहम भाई के साथ ज्यादती मत करो। कल रोने वाली आवाज हो रही थी उनके फोन पे, वो कदर करते हैं तुम्हारी। ये कैसे भूल जाऊं कि वो अमतुल आंटी के बेटे हैं? वो आपी, अमतुल आंटी एक नफ्सियाती मरीज है, और ऐसे लोगों को अपने अलावा कोई नजर नहीं आता। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उन पे तरस खाती और उनके झुंझलाहट का तमाशा देखती। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हैं अकेले? वो रक्षा नहीं मिला था वहाँ, तो मैंने सोचा आगे शायद कोई सवारी मिल जाए। अरे ऐसी कैसी बात है, आए बैठे मैं छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, आपको खामखा जहमत होगी। अरे नहीं नहीं, आपके बहाने जेबा से भी मिल लूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आजा समी, आजा। हाँ समी जी, चले जी। बीबी बोला बीबी है ये, है ना?
अबीर अबाई, ये कौन सा वक्त है कॉलेज से आने का? शुक्र है आपको इस बच्चे के अलावा भी कुछ याद है। अबीर के कॉलेज का टाइम, उसका घर ना आना। चलें, आपको ये तो याद आया कि हम दोनों भी आपकी बेटियां हैं। कैसे भूल सकता हूं अपनी बेटियों को, जो मेरी बेबसी का तमाशा तो देखती हैं, लेकिन इस मासूम को गोद में उठाना पसंद नहीं करती, जैसे ये कोई गुनाह हो। रोना इसके नसीब में है, रोने दो इसे। तुम तो इस वक्त मुझसे बात ना ही करो तो बेहतर है। लेकिन अब राज साहब, पुरानी बातों को याद करते रहेंगे तो नई खुशियां कैसे नजर आएंगी आपको? मैंने बहुत देखे हैं ये गम, दुख, आंसू। अब जब ऐसी बातें होती है ना तो यकीन करें दिल घबराने लगता है, तबीयत खराब हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी बाबा, मुझे थोड़ी देर हो गई। आपने तो मेहमान को चाय का पूछा ही नहीं होगा। मोमना, ये फहमी है। फहमीदा, अब वो ज़ेबा आंटी है ना, उनकी सहेली है। ये हॉस्पिटल में होती है, बच्चों के हॉस्पिटल में। बड़ी शफा इनके हाथ में। हमारा समी ना, इनके पास जाते बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे रहने दे जी, ये तो देखिए जरा किस कदर खूबसूरत है। भाई मुझे तो तुमसे मिलने का बड़ा शौक था, बहुत तारीफें सुनी है मैंने तुम्हारी। चलो आज बारिश के बहाने मुलाकात ही हो गई है। अरे इधर बैठो तो मेरे पास आके। आओ बैठो। तुम्हारे अब्बा ने तो बताया नहीं सही से कि मैं कौन। मैं ही बता देती हूँ, वो तुम्हारी ज़ेबा आंटी है ना, वो असल में हमारे मोहल्ले में ही रहती थी। और फिर वो नर्सिंग का कोर्स भी मैंने उन्हीं के साथ किया था, तो जरा सीनियर और जूनियर का चक्कर था। मगर उनके सामने मत कह देना कि वो मेरे से सीनियर थी, नाराज हो जाती है फौरन हर बात पे। है वैसे अबरार साहब, इतनी खूबसूरत बच्ची है, कहीं रिश्ता विश्ता भी इसका तय किया है कि नहीं? अल्लाह जन्नत नसीब करे इसकी माँ को, अपनी जिंदगी में ही तय कर गई थी वो। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए तो जरा, एक ही मिनट में मैंने इसके बारे में कितनी सारी बातें सोच ली है। आप चाय पी लें, मैं जाके रात का खाना बना लेती हूँ। खाना तो खाकर जाएंगी आप? अरे नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल तकल्लुफ मत करना, मुझे तो अस्पताल पहुंचना है। वो तुम्हारी ज़ेबा आंटी है ना, उनका इंतजार कर रही हूँ। बस वो आएंगी तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। है खुश रहो, बहुत प्यारी बच्ची है। हम बार बार क्यों फोन कर रहे हैं? किसी भी बात को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। फिजूल में मेरा वक्त जाया होगा और आपकी एनर्जी। शट अप मोमिना, मेरी बात सुनो और फोन कट नहीं करना। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं अभी और इसी वक्त घर आ रहा हूँ। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, समझी? अबीर बेटा, वो मैं कह रहा था कि अगर आज तुम कॉलेज से छुट्टी कर लेती तो। वो चेयरमैन साहब ने बुलाया मुझे, इसकी आया नहीं आई अभी तक। मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। अब पहले ही बहुत नुकसान हो गया बेटा, आज भी उन्होंने बुलाया है,
अल्लाह जाने क्या बात है। मेरा कॉलेज आना भी जरूरी है। अभी तो मुझे क्यों मजबूर करती हो कि मैं अपने अंदर का सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूं? इसे यहां मत लिटाएं, अंदर लेके जाएं इसको। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कैसी बहन हो तुम? मैं कब तक इसे गैरों के आगे डालता रहूंगा? खून सफेद हो जाता है ये तो मैंने सुना था, लेकिन अपने ही घर में उसे देखना पड़ेगा ये मैं नहीं जानता था। आपके बेटे की आया आ गई है, चलिए शुक्र है आज आपके गुस्से की बचत हो गई। वो तो आया है, उसकी नौकरी है, उसने तो आना ही था। मगर तुम बहन के फराइज कब निभाओगी? कभी वक्त मिला तो सोचना इस पर। अस्सलामुअलैकुम ज़ेबा बहन, ये बताएं कि वो सनी को लेकर आपकी तरफ तो नहीं आई? मैं कब से ऑफिस से आ गया हूँ लेकिन घर पे कोई भी नहीं है। नहीं अफराद भाई, यहाँ तो कोई नहीं आया। दोस्तों तो घर पे थे, मैं अभी थोड़ी देर पहले तो होकर आई हूँ। सनी सो रहा था और कौशल टीवी देख रही थी, फीडर भी बहुत गंदा था सनी का, मैं डांट कर आई हूँ उसे। अब आपने फोन किया कौशल को? हो सकता है समी को बाहर लेकर गई हो, बहुत शौकीन है वो घूमने फिरने की। फोन तो नहीं किया मैंने, आप मेरे साथ चले ना। हाँ मैं चलती, मैं चादर पहन के आती हूँ। ठीक है मैं आ रही हूँ। तो फोन भी नहीं उठा रही है, हे अल्लाह। आ जाएं ज़ेबा बहन जल्दी करें। हम लोगों ने बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिले। लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि आपने बगैर छानबीन के इतने छोटे से बच्चे के लिए आया रख कैसे ली? वो बच्चा तो बेजबान है, कुछ बता भी नहीं सकता। मैं क्या कहता, मेरी मजबूरी थी। अबरार भी परेशान नहीं हो, मैंने अजीम को कह दिया है, वो कौशल के घर का पता मालूम करने गया, आता ही होगा। ज़ेबा आंटी जी, कौशल घर का बात चली गई। चले 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 अबरार, चले। छुट्टी कर लेती अभी, तुम्हारा कॉलेज जाना कोई इतना जरूरी तो नहीं था। तुम्हारी तो आजकल रेगुलर क्लासेस भी नहीं हो रही, तो फिर क्या मसला था? तुम जानती हो ना कि बाबा के ऑफिस के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, क्या सिचुएशन है। उन्हें जॉब से निकाल दिया है, हम दोनों को मिलके उन्हें घर से रिलीफ देना होगा, मजबूरी है। और वो बच्चा, आप ही प्लीज यार, मुझे तुम्हारी तरह मजबूर होकर जीने का कोई शौक नहीं। मेरी पढ़ाई और मेरा कॉलेज उस बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तुम्हें बहुत शौक है ना बाबा का ये लाडला बच्चा पालने का, तो पालो और छोड़ दो अपनी यूनिवर्सिटी। अभी तुम हद से ज्यादा बदतमीज हो गई। अभी बदतमीज नहीं, समझदार हो गई, अकल आ गई है मेरे अंदर। जज्बाती होकर जिंदगी नहीं गुजारी जाती, और जब हर बंदा अपनी खुशी का इरादा कर लेता है ना, तो फिर किसी को घास भी नहीं डालता। और फिर इसे अपने फैसलों का बोझ खुद उठाना चाहिए। हो जाओ खुश तुम दोनों, चला गया है समी, बोझ था ना तुम दोनों के लिए, उठा लिया उसका बोझ किसी और ने। तंग नहीं करेगा तुम दोनों को वो।
जाओ जाओ शाबाश। अबीर कोमल आराम करो जाके, कोई नहीं रोएगा अब इस घर में। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं, कौशल ऐसा कैसे कर सकती है? वो कितने दिनों से यहाँ आ रही थी। वो जाहिर है जब उसने देखा कि उसका कोई वाली वारस नहीं है, उसका कोई रोने वाला नहीं है, उसने मौका तलाश किया और ले गई उसे। पता नहीं किस जालिम के हाथ में होगा मेरा समी बेचारा। जाओ जाओ जाओ, मनाओ खुशियां, जाओ। बहुत टेंशन हो रही है, हम लोगों ने समी को कोई नुकसान पहुंचा दिया, लग रहा है वो ठीक हो। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक ही होगा। तो गलती तुम दोनों की भी तो है ना, बिना सोचे समझे एक ऐसी औरत को घर में रख लिया जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी तुम लोगों को। तो ये तो बाबा ने किया है, हमें क्या पता था इस बारे में। तुम पता करना चाहिए था ना यार, तुम लोग भी तो उसी घर में रहते हो।